एक औरत हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास आई और कहने लगी, मेरी जवान बेटी थी जो फौत हो गई है, मैं चाहती हूँ कि उसे ख्वाब में देखूँ। मैं आपके पास आई हूँ ताकि आप मुझे कोई ऐसा तरीका बता दें जिससे मैं उसको देख सकूँ। आपने तरीका बता दिया। उस औरत ने देखा कि उसकी लड़की तारकोल का लिबास पहने हुई है और उसकी गर्दन में तौक और पांव में बेड़ियां पड़ी हुई हैं। उस औरत ने आकर हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को यह बात बताई। ये सुनकर आप गमगीन हुए। फिर चंद अरसा बाद हसन बसरी रहमतुल्लाह ने उस लड़की को ख्वाब में देखा कि वो जन्नत में है और सर पर ताज पहने हुई है। उस लड़की ने कहा, ए हसन, आप मुझे नहीं पहचानते, मैं उसी औरत की बेटी हूं जो आपके पास आई थी और ये बात कही थी। आपने पूछा, तेरी ये हालत कैसे हो गई? उसने बताया कि हमारे कब्रिस्तान से एक शख्स का गुजर हुआ, उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ा और कब्रिस्तान में उस वक्त 550 इंसान अजाब में गिरफ्तार थे और गैब से आवाज आई कि इस शख्स के दुरूद शरीफ पढ़ने की बरकत से इन लोगों से अजाब हटा दो। खवातीनों हजरात, हमें इस बात का अंदाज़ा ही नहीं कि एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने से हमें कितना सवाब मिलता है। अच्छी बात को फैलाना सदका जारिया है, लिहाजा आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे एज इस्लामिक मीडिया पेज को भी लाइक करें। वस्सलाम।